तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये ड्राइंग टॉपिक क्यों चूज़ करा है, बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये जो लुक दिया गया है इसका, एनिमेशन टाइप, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा ब्लैक एंड वाइट में, एंड पेंसिल से इसको कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा। ड्राइंग में आप कंसनट्रेट जितना करोगे आपका उतना स्किल इम्प्रूव होगा, ड्राइंग आपको उतना इम्प्रूव होगा। आप ट्राई करो कि बिना ग्राफ का आप जितना रफ़ स्केच ड्रॉ कर सको उतना करो। यहाँ पे मैं नॉर्मल आइवरी शीट का यूज़ कर रहा हूँ। फेस का मेज़रमेंट लेके मैं इसे जस्ट सिंपली एक लाइन ड्रॉ करके उसके बाद इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आप चाहो तो आप कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, रेगुलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 0.3 mm का 2B लीड लिया है मैंने। आप चाहो तो HP पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है आप उसी से यूज़ कर सकते हो। टैलेंट मैटर करता है, आपका स्किल मैटर करता है और कुछ नहीं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप में अगर क्रिएटिविटी है तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, ये ड्राइंग है कलर वाला एक्चुअली, बट मैं इसे पेंसिल से बनाने वाला हूँ, एंड वो भी रेगुलर पेंसिल से ही बनाऊँगा। मैं अप्सरा का जो पेंसिल आता है, लो कॉस्ट लो ग्रेड का, उसी से बनाने वाला हूँ मैं इसे। तो ये ड्राइंग चूज़ करने का मेरा सबसे मेन मोटिव था। इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे आप देखोगे चिक्स में, ये अगर आप पेंसिल से एक ही पेंसिल से ट्राई करोगे तो उसमें बहुत अच्छा लुक मिलेगा आपको। फिर ड्रेस का जो इसमें डिज़ाइंस दिए हुए, इसको भी मैं इरेजर से मोनोजीरो इरेजर से बनाने की कोशिश करूँगा। बस वन बाय वन स्टेप को आपको देखना है। चिन के लिए मैं चिन को थोड़ा सा इरेज करूँगा, बिकॉज ये चिन मुझे ज़्यादा ओवर लग रहा है। तो आप वही जगह पे यूज़ करो इरेजर का, जगह पर आप कॉन्फिडेंट ना हो या फिर जहाँ पर आपको लगे कि आपने मिस्टेक करा है, तब वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे आप ज़्यादा जितना कम इरेजर के यूज़ करो उतना आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। आप चाहो तो डायरेक्टली पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके लिए बेटर है। फेस कंप्लीट करने के बाद मैं जस्ट बेबी को बना रहा हूँ, चाइल्ड को ड्रॉ करने के लिए मैंने देखा कि आपका नोज़ का जो मिडल एरिया है वहाँ से चाइल्ड का हेड जस्ट स्टार्ट होता है। तो उसी पोर्शन को ऑप्ट करके मैं बेबी को भी ड्रॉ कर लूँगा, चाइल्ड को। अब जैसे जैसे स्केच बनाते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट्स आप में होगा। फिर आप खुद समझ जाओगे कि कहाँ मैंने मिस्टेक करा था पहले और कहाँ मैं अब कर रहा हूँ, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं पूरी ड्राइंग को नहीं बनाने वाला हूँ, लोअर पार्ट को मैं छोड़ दूँगा। मैं जस्ट आपको जहाँ तक मदर ने अपने लैप में लिया हुआ है बेबी को, वहीं तक मैं ड्रॉ करूँगा। बॉटम हाफ तो ड्रॉ करूँगा, नीचे तक पूरा मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मेन टेक्सचर्स मिल जा रहा है अपर हाफ में ही। स्क्रीन पे विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं होगा, बट बैकग्राउंड में भी इसका बहुत सारा छोटे छोटे स्टार्स वगैरह दिए हुए, जो कि आप पेंसिल से बना सकते हो। मैं से कोशिश करूँगा जितना सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझा सकूँ, एंड एक ही पेंसिल से काफ़ी चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे सेट्स भी हैं। लाइट टोन डार्क टोन को ऑब्जर्व करके मुझे बनाना है। बॉटम पोर्शन के लिए भी मैं जस्ट वही ट्राई करूँगा। धीरे पेंसिल का आप जितना लाइट प्रेशर अप्लाई करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज हो सकता है आपको कहीं इरेज करना हो सकता है आप कहीं फिर से इसको कलर करना चाहो। तो जब भी आप ट्राई करो, पहला स्टेप आप जितना लाइट से लाइट कर सको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखा सकूँ प्रॉपरली कि कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे ड्रॉ हम लोग इसको कर सकते हैं। सिमिलरली हैंड को भी ऑब्जर्व करना है आपको, पाम को ऑब्जर्व करके आपको देखना है कि किस तरह से आप फेस का साइज को पहले देखो, उसके बाद फिर पाम को ऑब्जर्व करो उस तरह से। मैं थोड़ा सा छोटा बना दूंगा फेस से फोटो के अकॉर्डिंग।
इसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, वन बाई वन आपको स्टेप वाइज ड्रॉ करते जाना है। अगर आप इस तरह से करोगे ना, तो फिर आपको आई एम श्योर दैट आपको इरेजर का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा, एंड आप वही पे करोगे जहाँ पे ऐसी गलती तो होती रहेंगे ना, सबसे गलती होता है, तो उस टाइम भी आप इरेजर का यूज़ करो, अदरवाइज़ आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ड्रॉ करो तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने काफ़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था आपको, ताकि आपको समझा सकूँ कि एक एक चीज़ कैसे, एक एक पोर्शन, एक एक पार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे रेगुलर आइवरी शीट बहुत बेटर ऑप्शन है आपको प्रैक्टिस के लिए, ये काफ़ी नॉर्मल रेगुलर यू नो चीप कॉस्ट में मिल जाता है आपको, करीब 90 रुपीज़ का पड़ा था मुझे ये पैकेट, जो कि 25 सीट्स मुझे मिला था, तो ये काफ़ी चीप है गाइज, एंड इसमें आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप चाहो तो रेगुलर ड्राइंग कॉपी भी ले सकते हो, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सिमिलरली मैं ऐसे इस ड्राइंग को इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं पेंसिल शेडिंग से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं रेगुलर पेंसिल के यूज़ करके देखते हैं कैसे ऐसे शेडिंग होता है।